नमस्कार दोस्तों, मैं कनिष्क दास आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल केडी गार्डन में। आज मैं आपसे एक नए कंसेप्ट के ऊपर बात करूँगा जो है एयर लेयरिंग। आप देख सकते हैं कि मेरा ये एक प्लांट है, एक ट्री बन गया, अभी एक बड़ा ट्री है और इसकी कितनी सारी ब्रांचेस हैं। मैं सोच रहा हूँ इसकी थोड़ी से इस पर एयर लेयरिंग करके इसके और बहुत सारे प्लांट बना लिए जाए, क्योंकि एयर लेयरिंग बारिश के टाइम में सक्सेसफुल हो जाएगी आसानी से। तो आप भी अपने प्लांट्स पे कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस ब्रांच पे लेयरिंग करूँगा। ये ब्रांच को दिखाओ, देखिए आप देख सकते हैं ये एक हेल्दी ब्रांच है। तो मैं इस पे लेयरिंग करूँगा, यहाँ से लेयरिंग करूँगा। तो ये लेयरिंग के लिए हम सबसे पहले एक चाकू ले लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप थोड़ी पैनी चीज़ें लीजिए, चाकू वगैरह। और अब मैं इसको यहाँ से लेयरिंग करूँगा, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले मैं एक इस तरीके से इस पर ऐसे कर दूंगा पूरा गोल उसमें। और ये जो आपको यहाँ से काटना है, इसको 1 इंची के उस पर काटना, 1 इंची से ज़्यादा ना करना, क्योंकि 1 इंची से जब ज़्यादा हो जाता है तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। आप देख सकते हैं मैंने कर दिया। अब इससे यहाँ से मैंने ऐसे टी कट लगा देता हूँ एक। तो अभी हमारा इस तरीके से निकल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने इसको निकाल लिया 1 इंची का। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा वो ऐसे ऐसे कर देते हैं, थोड़ी सी इसके जो ऊपर की वो है ऐसे कर देते हैं, क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है, हमारा प्लांट जल्दी ग्रो करता है, रूट्स जल्दी डेवलप होती है। और बारिशों में आप भी ये लेयरिंग करेंगे तो आसानी से सक्सेसफुल हो जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने इस पर भी एक थैली बांधी है, क्योंकि एयर लेयरिंग को मैं सोच रहा हूँ कि एयर टाइट वाली करूँ मैं, इसमें पानी देने की दिक्कत नहीं रहेगी। वैसे कि बारिश के मौसम में पानी की दिक्कत तो रहेगी नहीं, पानी बार बार मिलता रहेगा इसको, लेकिन फिर भी मैंने इसमें एक थैली बांधी है। तो अब मैं इसमें मिट्टी लगाऊँगा, आप देख सकते हैं मिट्टी, मैं इस तरीके से मिट्टी का वो कर लिया है। अब मैं इसमें मिट्टी लगा देता हूँ, आप भी ऐसे करिए। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी भी एयर लेयरिंग ख़राब नहीं होगी, आपकी भी एयर लेयरिंग सक्सेसफुल होगी। मैंने इस पर मिट्टी बांध दी है, और इस पर आप थोड़ा सा पानी भी डाल लीजिए, जिससे कि इसमें मिट्टी में नमी बनी रहे, इसमें बार बार पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि एयर टाइट में अगर आप इसको एयर टाइट कर देंगे तो इसमें आप बार बार पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमारी मिट्टी गीली हो गई है पूरी अच्छी तरीके से, इसमें पानी भी आ गया। तो अब मैं इसको बांधूँगा, तो पन्नी अच्छी तरीके से लपेट दी है। अब मैं इसको साइड से धागे से बांध दूंगा मैं, जिससे कि ये खुले ना और इसमें से पानी ना सूखे। इसको मैं एक धागे से बांध देता हूँ, जिससे कि सही से मॉइस्चर बना रहे और हमारी ये लेयरिंग सक्सेस हो। इधर भी ऐसी मैं एक धागे से बांध दूंगा। ये मैंने दोनों जगह बांध दिया है और ये हमारी लेयरिंग अब अच्छे से बन गई है। अब इस पौधे को आप रख दीजिए साइड में। अब हमें इसका देखना है कि हमें इसका रिज़ल्ट कितने दिनों में मिलेगा और कितने दिनों में हमारी लेयरिंग सक्सेसफुल होगी। तो आप भी इस तरीके से अपने और प्लांटों पे, जो आपके बड़े प्लांट हैं, उन पे लेयरिंग कर सकते हैं और उनसे बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं।